ये भव्य मंदिर है कैलाश मंदिर, जो महाराष्ट्र में मौजूद एलोरा गुफा परिसर का मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर में कई पर्यटक आते हैं, जिसको इस परिसर में सबसे बड़े मोनोलिथिक मंदिर यानी एक ही पत्थर या चट्टान से तराशे गए मंदिर होने का श्रेय प्राप्त है। मगर इसके ठीक दाई तरफ और कई गुफाएं हैं, जो न सिर्फ कैलाश मंदिर से पुरानी हैं, बल्कि दिलचस्प भी हैं। औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलोरा की गिनती दुनिया के सबसे बड़ी रॉकर धार्मिक गुफाओं में की जाती है। एलोरा की गुफाओं को स्थानीय तौर पर वेरुल के नाम से जाना जाता है, जिनका निर्माण कलचुरी, चालुक्य और राष्ट्रकूट के शासनकाल के दौरान 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक 400 साल के समय में किया गया था। प्राचीन काल से एलोरा एक महत्वपूर्ण जगह रही है। इन गुफाओं का निर्माण महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग दक्षिणापथ के पास हुआ था। पैठन से लगभग 75 किलोमीटर दूर मौजूद एलोरा प्राचीन भारत का समृद्धशाली व्यवसायिक शहर हुआ करता था। इन गुफाओं का इस्तेमाल तीर्थयात्रियों द्वारा ठहरने के लिए भी होता था। 2 किलोमीटर के दायरे में फैले इस गुफा परिसर में 34 रॉक कट गुफाएं मौजूद हैं, जो चरनांदरी पहाड़ियों के बसाल्ट चट्टानों से तराशी गई हैं। इनमें से 1 से 12 गुफाएं बौद्ध, 13 से 29 गुफाएं हिंदू और 30 से 34 नंबर गुफाएं जैन हैं। परिसर के मध्य भाग में हिंदू गुफाएं मौजूद हैं, जिनमें से सबसे भव्य कैलाश मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट साम्राज्य के शासनकाल के दौरान 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ये मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस मोनोलिथिक धार्मिक स्थली को ऊपर से नीचे तक बारीकी से तराशा गया है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर उनके निवास कैलाश पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर में शिव, विष्णु और कई देवियों की उत्कृष्ट नक्काशी मौजूद है। मंदिर में स्थित अलग अलग पैनल में रामायण और महाभारत के दृश्य को उकेरा गया है। कैलाश मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक तो है ही, मगर एलोरा में और भी कई ऐसे आकर्षण हैं जो देखने लायक हैं। कैलाश मंदिर के आगे मौजूद है गुफा नंबर 15, जिसको दश अवतार गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा में राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक दंती दुर्ग का शिलालेख मौजूद है। गुफा में स्थित नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप राक्षस के वध को दर्शाती मूर्ति दर्शनीय है। हिंदू गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प गुफा नंबर 29 धूमर लेना है। ये एलोरा की सबसे विशाल और पुरानी गुफाओं में गिनी जाती है। यहाँ पर कई बड़ी और भव्य मूर्तियां हैं, जिनमें से कुछ जैसे शिव द्वारा अंधकासुर का वध, रावण का कैलाश पर्वत को हिला देना और लकुलिश को दिखाती मूर्तियों को जरूर देखना चाहिए। परिसर के दक्षिणी दिशा में विशाल गुफाएं मौजूद हैं। विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध ये गुफा चैत्य ग्रह या फिर प्रार्थना स्थली हुआ करती थी। 650 ईस्वी में निर्मित इस गुफा की सबसे खास बात चैत्य ग्रह के अंत पर बुद्ध की बैठी हुई मुद्रा में बनी मूर्ति है। जहां अजंता की गुफाएं अपने चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, वहीं एलोरा में भी कुछ गुफाओं में सुंदर चित्रकारी है। माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण एक समय में काफी निपुणता से किया गया होगा। एलोरा से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मौजूद है गृष्णेश्वर मंदिर, जो भारत में बने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में क्षतिग्रस्त हुए इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने पुनर्निर्मित किया था। बाद में 18वीं शताब्दी में इंदौर के होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जब कई मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, तब उनमें से एक ये भी था। अपनी स्थापत्य भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण एलोरा गुफाओं को सन 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। आज भी ये गुफाएं प्राचीन काल की धार्मिक एकता का एक शानदार प्रतीक है।